मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रेसिपी, उसका नाम है न्यूट्रिशियस भेल। और वो किसकी बनेगी देख लीजिए, ये है स्प्राउट्स हरे मूंग के। ये जो रेसिपी है इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्नैक्स में ले सकते हैं। तो चलिए क्या क्या लगता है बता दे रही हूँ। ये है साबुत मूंग के स्प्राउट्स, ये है टमाटर, दो प्याज, खीरा, नींबू, सफ़ेद नमक, ये है बादाम, ये है अखरोट, किशमिश, ये है दो बॉइल्ड आलू, काला नमक, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर और ये चाट मसाला। तो सबसे पहले हम ये जो है खीरा, टमाटर और प्याज उसको बारीक काट लेते हैं, और ये बॉइल्ड आलू है उसको भी बारीक काट लेते हैं। देखिए ये मैंने काट लिए हैं बारीक प्याज, खीरा, टमाटर और ये दो उबले आलू। तो चलिए अब इसको कैसे असेंबल करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये स्प्राउट्स को इसमें डाल देंगे। ये जो स्प्राउट्स हैं ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और हाईली एनर्जेटिक है। ये इसको खा लेने से पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील होता है और ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। अब हम इसमें जो ये हमने काट के रखा था ये सब डाल देंगे। इसमें आप वैरायटी भी कर सकते हैं, इसमें जैसे आप लाल चने का भी स्प्राउट्स डाल सकते हैं, छोले का, राजमा का, और जो डाइट पर हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रेसिपी है। अब हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है। अगेन ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होते हैं। टोटली ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिश है, ये रेसिपी है ये। ये चाट मसाला, ये जीरा पाउडर, टेस्ट कितना आपको चटकदार चाहिए वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं ये अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे। ये जो अपना ऑफिस में लंच ले जाते हैं तो 4 o'clock के लिए जो हल्का फुल्का सा स्नैक्स जिनको ज़रूरत पड़ती है उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें मैं ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। उसके बाद ये मैंने नींबू निचोड़ के रखा, काट के रखा हुआ है, तो अब हम इसको निचोड़ लेंगे। और इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें हमको नींबू या नमक और ज़्यादा डालना है कि नहीं। ये देखिए आधा मैंने कर दिया है। और इस तरीके से हाथ रख लेने से ये होता है कि बीज नहीं गिरता है, सिर्फ रस और रस ही गिरता है। ये देखिए, ये देखिए बीज अलग हो गए। अब इसको हम पूरा ऐसे पूरा का पूरा रस हम इसका निकाल देंगे। अब लास्ट एंड फाइनल ये हमारा वाइट सॉल्ट। अब हम सबको सॉटे करेंगे, अच्छे से इसको मिलाएंगे और फिर हम इसकी सीजनिंग को टेस्ट करेंगे, इसमें क्या कम है उसके हिसाब से। इसमें हम बहुतों को पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, इसमें हम टैमरिंड सॉस भी मिला सकते हैं, इसमें हम ब्लैक पेपर भी मिला सकते हैं। तो मेरे यहाँ ख़त्म हो गया है पाउडर, आप लोग ज़रूर से इसको मिलाइएगा। ये देखिए कितना कलरफुल ये लग रहा है। और इस तरीके से घुमाते हुए धीरे धीरे हम इसको बढ़िया से सॉटे कर लेंगे। तो ये जो हमारा बाउल है इट्स अ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, इट्स अ फुल ऑफ प्रोटीन सोर्स, इसमें बहुत कुछ है। कलरफुल खाना वैसे भी खाना चाहिए और ये तो दिन की शुरुआत है, तो हमारा पूरा दिन बन जाता है इसको खा लेने से। बच्चों को भी दीजिए, हाईली एनर्जेटिक होता है, जो डाइट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, इसमें आप चाहे तो आलू को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आलू डालने से ये होता है कि थोड़ा बच्चे खा लेते हैं। तो देखिए ये न्यूट्रिशियस भेल बनके तैयार है। आप लोग भी ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए।
और अगर पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।